हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम पी, यहाँ पर लिख दीजिए, मैं भूल गया, एनर्जी और मोमेंटम फॉर ए फ्री पार्टिकल क्या होता है, रिलेशन होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नॉट स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, एम वो मुझे याद है इसलिए मैं एम नॉट कह देता हूँ, यहाँ एम स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, और एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और पी इक्वल टू होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यूज होती हैं। ये दोनों वैल्यूज को उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर है तो ये आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं, पी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल का स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा प्लस वन हो जाएगा और आई स्क्वायर की जगह माइनस, तो माइनस एच आर स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम क्या साई से बे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। और ये साई यहाँ भी साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। ये जो है हमारी, ये हमारी श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद हम ये एच का स्क्वायर सी की सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम डिवाइड कर देते हैं इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये हमारा बचेगा वन अपान सी स्क्वायर, ये बचेगा हमारा डेल स्क्वायर साई बचेगा, तो ये डेल स्क्वायर जो है ये इस चीज़ को उठा करके इधर ले आते हैं या इस चीज़ को उठा करके इधर ले जाते हैं और इधर रखते हैं। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर साई माइनस वन अपान सी स्क्वायर इधर बचेगा डेल स्क्वायर साई अपान डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा एम स्क्वायर सी सी स्क्वायर 4 है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर साई। तो ये जो होता है ये हम साई को बाहर ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा डेल स्क्वायर माइनस वन अपान सी स्क्वायर डेल अपान डेल टी स्क्वायर साई इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर साई। तो ये डेल स्क्वायर वन अपान सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर ये डी लैम्बर्ट ऑपरेटर होता है, तो यही हमने लिख दिया है यहाँ पे डी लैम्बर्ट ऑपरेटर साई इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपन एच के स्क्वायर साई। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्लेन गॉर्डन इक्वेशन है। ठीक है, जो कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है। अब बात करते हैं प्लेन वेव सॉल्यूशन फॉर ऑफ श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन तो हमने निकाल लिया था, तो इसी श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन को यहाँ पे मैंने लिख लिया है और मान लिया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है साई इक्वल टू ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो वहीं पर हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर हमारा डेल स्क्वायर साई अपन डेल टी स्क्वायर है और यहाँ पे हो गया डेल, आप सभी लोग जानते कि डेल स्क्वायर की जगह हमारा भाई दो बार डिफरेंस डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर की भाई कर लेना पड़ेगा आपको, प्लस डेल स्क्वायर वाई अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी, लेकिन हमारा एक सिर्फ सिंगल एक डायरेक्शन में, तो डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर से कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ये इसकी वैल्यू और प्लस इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर साई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो जब हम निकालेंगे तो इसका हम करेंगे डेल साई अपॉन डेल टी ई की पावर भाई एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे ई की पावर के डॉट आर माइनस आई आई यहाँ से और माइनस ओमेगा ये यहाँ से हो गया, दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाए प्लस का वन हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये साथ में ये, और ये हमारा हमने साई माना ही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा वही हो जाएगा भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर साई, तो डेल स्क्वायर साई भाई दो बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे भी तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है इसकी और इसकी, ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो जब यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर पहले से ही है, तो माइनस एच का स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आई के डाटा माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई की जगह हम
माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के डाटा माइनस ओमेगा टी प्लस एम स्क्वायर सी सी की पावर फोर, और ये साई जो था ई की पावर आई के डाटा माइनस ओमेगा टी। भाई ई की पावर आई के डाटा तीनों में है हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस एच का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर की, और एच का ओमेगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एच का स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि एनर्जी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन वेव सॉल्यूशन था और ये आपका क्लेन गॉर्डन इक्वेशन था। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही।